العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات بر محمد وآل محمد. آج کی یہ گفتگو 15 شعبان ہمارے اور آپ کے امام حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہے. میں نے اسی مناسبت سے اس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے جو بظاہر تو نہیں لگتا کہ آج کی محفل سے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، لیکن ذرا سا آپ توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ مطلب واضح ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو گئے. تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نبی کے جانے کے بعد امت کے گمراہی کا امکان تھا، اگر تو نبی یہ کیوں کہتے کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو، یعنی گمراہی کا چانس ہے، امکان کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب میری عترت. ان کو کرنا یہ ہے کہ ان دونوں سے وابستہ رہنا پڑے گا، یہ چھوڑ دیا اس لیے قرآن کی صحیح میننگ بتا صحیح فضائل قرآن کے علاوہ بتائے گا کون؟ تو قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کی کس آیت کی میننگ کیا ہے. تو دونوں کو سمجھنے کے لیے دونوں کا ساتھ رکھنا ضروری ہے. پیغمبر نے فرمایا ما ان تمسکتم، جب تک ان سے وابستہ رہو گے لن تضلوا، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یا
यौमल क़ियामा, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर क़ियामत में आन के हमसे मिल लेवे। तो अगर गुमराही से बचना है तो क्या करना होगा? कुरान के साथ अहले बैत को से तमस्सुक इख्तियार करना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि आखिर अहले बैत में क्या खास बात है, क्यों कहा पैगंबर ने? अलबत्ता इस पे सवाल और भी है, लेकिन एक मजलिस में ये गुफ्तगू नहीं हो सकती, कई मजलिस होती है, कई गुफ्तगू होती तो उस पर आती, लेकिन आज यहां जो है वो इख्तिसार के साथ कि हमको जल्दी से हजरत की तरफ पहुंचना है। सवाल ये है कि पैगंबर ने क्यों फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं? देखिए एक बात मैं और अर्ज कर दूं, मैं जो कहूंगा उसका जिम्मेदार हूं, आप जो समझेंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। कभी कभी होता है एक बात आदमी कहता है मजाक के तौर के ऊपर, यार ऐसा मत करो, आदमी उसको दिल पे ले लेता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं उसके लिए अगर इस तरह की कोई बात हुई तो मैं माजरत भी चाहता हूं। लेकिन इतनी गुजारिश जरूर आपसे करूंगा कि एक बार मुझसे पूछ लीजिए कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। सलावात दर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब सवाल यह है कि ये नबुव्वत है, बादशाहत तो नहीं है ना, कि रसूलुल्लाह के बाद उनका दामाद, दामाद के बाद उनके बेटे, उनके बेटे के बाद उनके बेटे, उनके बेटे के बाद उनके बेटे, ये तो सल्तनत में चलता है, ये तो बादशाहत में चलता है, इस्लाम बादशाहत तो नहीं है। क्यों रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने बाद कुरान के साथ अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं? बहुत स्पीड से गुजरूंगा। मैंने कहा अगर खमसा अशरा टाइप होता धीरे धीरे चलते। बुजुर्गों ने इस पर बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, या तो इत्तेफाक मेरा कम होता है आने का, एक आध बार शायद आया हूं, बहुत पहले वो जो जलजला आया था तब आया था, एक आध साल पहले दो तीन उसमें, अब आ गया हूं इत्तेफाक से, बहुत कम होता है। लेकिन मैं आम तौर पर जहां जाता हूं ये बात गुजारिश करता हूं कि हमारी नालायकी है, हमारी कम वक्ती है कि हम मुतालिया न करें, हम न पढ़ें, वरना हमारे बुजुर्गों ने कोई गोशा छोड़ा नहीं है जिस पर उनकी तहकीक का काम न चलाओ, कलम न चलाओ। आज तो हमारे लिए बहुत आसान है ना, इंटरनेट पे बैठ गए वो साहब, एक लाइन से एक लफ्ज आप टाइप कीजिए, सारी हदीसें जितनी चाहिए आपके मोबाइल में मौजूद है। लेकिन बुजुर्गों का जमाना जो था हमारे, रिज़वानुल्लाह अलैहिम, वो कितनी कितनी मशक्कतें उठा करके, लेकिन उसके बावजूद क्या उनका इखलास था कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाई कि कोई गोशा छूटा नहीं है? आपके इसी हिंदुस्तान में इसी हदीस पर जिल्दे लिखी गई है, अब अकातुल अनवार इसी इनवान पर है। तो जब बुजुर्गों की मेरा कोई रोल उसमें नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो बुजुर्गों की गाढ़ी गाढ़ी बातें हैं उसमें, जैसे दूध वाले नहीं होते कि वो पानी में एक लीटर दूध में पानी मिला के बेच देते हैं, वो भी अच्छा है, पानी मिला रहेगा, बच्चों को नुकसान नहीं करेगा, जल्दी से हजम हो जाएगा, शायद इसलिए करते हो। तो वही काम मेरा है कि बुजुर्गों की जो मेहनत है उसमें मैं आज के हिसाब से 2 लीटर पानी मिलाता हूं, ताकि हमारे बच्चों के लिए समझना आसान हो जाए, बदहजमी ना हो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अब आइए, जो बुजुर्गों पूरी पूरी किताबें हैं इस हदीस पर, मैंने कहा आपके हिंदुस्तान में भी लिखी गई, अब अकातुल अनवार की जिल्दें इसमें, नजफ के उलमा ने लिखी, और बुजुर्गों ने लिखी, अरबी में लिखी, फारसी में लिखी, मुख्तलिफ जबानों में। मैं निचोड़ उसका 20 मिनट में आपको सुना के अपने मौजू पर आता हूं। सलावात दर मोहम्मद। तो जो बुजुर्गों ने बात फरमाई है मोटे तौर पर उसको
चार जवाब दिया जा सकता है कि पैगंबर ने क्यों कहा कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं अपने बाद, कुरान को तो सब मानते हैं ना, कुरान के ऊपर तो सबका है, बाद वाले में मैटर है। वो कहते हैं नहीं साहब सुन्नत कहा, हम कहते हैं साहब नहीं इतरत कहा, तो आप जब हम इसमें झगड़ा है ना, इतरत कहा कि सुन्नत कहा, तो हम इस पर बहस करेंगे क्यों कहा, क्या कहा पर ही बहस हो सकती है, लेकिन वो लाइन अलग हो जाएगी। जो बुजुर्गों ने जो है वो तहकीकात फरमाई है, मोटे तौर पर इसके चार जवाब दिए जा सकते हैं कि पैगंबर पर वाजिब था कि अपने बात कह के जाए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। इसके कितने जवाब हो बेटा? चार। नंबर एक, फितरत का तकाजा है कह के जाइए, एक इसको सब जहन में रखिए, अभी धीरे धीरे एक पर बात आएगी। दो, मनसब का तकाजा है कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। तीन, हुक्म कुरान है कहिए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। चार, पैगंबर का जो मिजाज था उससे बईद थी ये बात कि बगैर कहे चले जाए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। समझ में आ गई? तो कितनी चीजें, चार, फितरत, मनसब, हुक्म कुरानी और बोलिए मिजाज, ये चार चीजें सबब हैं कि पैगंबर बगैर कहे इस दुनिया से जा नहीं सकते थे इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। जवाबात हो गए ना चार, फितरत, मनसब, कुरान का हुक्म और मिजाज। अब आइए एक एक पर पांच पांच मिनट जल्दी जल्दी बहस करते हैं। नंबर एक, फितरत का तकाजा है कह के जाइए इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। फितरत क्या है? देखिए, कोई आदमी कोई चीज भी जब बनाता है, मिसाल के तौर पर कोई शायर है, जिंदगी भर उसने शायरी की, गुर्बत की वजह से उस आदमी की किताब नहीं छप पाई, अब मौत आने वाली है, सबसे ज्यादा अगर फिक्र होगी कोई उस शायर की तो क्या होगी? कोई आदमी मिल जाता जो मेरे बाद ये मेरी शायरी जाया ना होती, छप जाती, पब्लिक तक पहुंच जाती। एक आदमी ने भी किताब लिखी, गरीबी की वजह से उसकी किताब नहीं छप पाई, तो उसको क्या फिक्र होगी कि किसी मुनासिब हाथ में ये मेरी बात पहुंच जाती किताब, जो मेरे बाद सही छपवा देता। या मिसाल के तौर के ऊपर एक आदमी है, उसने बाग लगाया, कहते हैं बाग का लगाना औलाद का पालना आसान है बनिस्बत बाग लगाने के, और ये मेरे ऊपर बीत चुकी है, मैं जानता हूं कि एक बाग को तैयार करने में कितनी जहमत होती है। 100 पेड़ लगाने के बावजूद जब एक नहीं लगा तो पूरी बाउंड्री करनी पड़ी। एक हल्का सा इशारा कर दे रहा हूं, बड़ी मेहनत से बाग तैयार हुआ, उसमें इनसे लड़ाई करना पड़ी, इनसे जंग करनी पड़ी, इनका जानवर खा गया, उनका बहरहाल किसी सूरत से बाग तैयार हो गया। अब जब बाग तैयार हो गया, बाग वाला मरने वाला है, सबसे ज्यादा उसको किस बात की फिक्र होगी चचा? कि जितनी मेहनत और मशक्कत से मैंने ये बाग लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद इसे जाया कर दे, इसे बेच डाले, इसे बर्बाद कर दे। तो फिक्र होगी बागबानों को नहीं होगी कि कोई सूरत ऐसी निकल आती कि जिसकी वजह से मेरा बाग बच जाता। तो ये प्रॉपर्टी बचाने का जो सेंस है वो कॉमन है, सबके अंदर के नहीं है। अच्छा, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जायदाद बचाने का हमको आपको हक है कि नहीं है? इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? जायज कहता नहीं जायज कहता? इस्लाम जायज ही नहीं, इस्लाम तरीका भी बताता है कि कैसे बचाओगे। कहो क्या? कहो वक्फ कर दो। वक्फ काहे के लिए है? कि औलाद के हाथ बंध जाए,
मगर मेरी प्रॉपर्टी महफूज रहे। आज अगर मेरे बाप ने वो बाग वक्फ न किया होता, मैं हर साल बेचता, नई नई कबा पहनता, हर साल जाता जियारत करता, लेकिन प्रॉपर्टी वक्फ करके मेरे बाप ने मेरा हाथ बांध दिया। औलाद फाका कर ले चलेगा, जायदाद बची रहे। कुछ समझ में आया? इंसाफ से बताइए, एक शायर को किताब बचाने का हक है, एक मुसन्निफ को किताब बचाने का हक है, एक बाग के मालिक को बाग बचाने का हक है। उस नबी ने जिसने इस्लाम को फैलाने के लिए कूड़े खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, वो नबी अब इस दुनिया से जा रहा है, उसको ये फिक्र नहीं होगी कहीं मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद न कर दी जाए, मेरा दीन बदल न दिया जाए। कोई मजबूत हाथ मिल जाता जो अपनी जान दे के मेरी जायदाद को बचा ले। पैगंबर ने देखा मेरे बच्चों के अलावा कोई मेरा दीन बचा नहीं सकता, फरमाया इनकी तारे उल्फी को मुस्तकल है। तो पहला क्या था? फितरत का तकाजा है कि कहके जाइए। अब आइए नंबर दो, मनसब का तकाजा है कहके जाइए। बुरा तो नहीं मानेंगे, उसमें कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ लोगों की कुछ आदत बन जाती है, उससे वो चाहें भी अकेले में एहसास भी हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट वो चूंकि आदत हो गई है। किस बीड़ी पीने वाले को ये पता नहीं है कि बीड़ी पीना गलत है? हाँ, छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता ना। किस तंबाकू खैनी खाने वाले को पता नहीं है कि खैनी खाना गलत? वही हाल मेरा है, पूछ लेना, मिसाल गढ़ देना। अब मैं लाख चाहूं कि इससे अपने आप को बचा लूं, नहीं हो पाता। तो अगर बुरा मानी है तो मैं जाने दूं। क्या नाम है आपका? अब्बास भाई, रसूलुल्लाह का अच्छा ये सब कोई मकसद नहीं होता, ये सिर्फ ये है कि आदमी मुतवज्जे रहे, ऐसा ना हो कि हम यहां पढ़ रहे हैं आप सिलवासा पहुंचे हुए हैं। सिर्फ इसलिए किया जाता है ये काम, और इसका कोई मकसद नहीं होता। सलावात पर मोहम्मद वा। वरना इसका सिर्फ यही है। एक क्या नाम है आपका? अब्बास। वो जितने लोग इधर उधर थे ना, सब आ जाते हैं, सिर्फ ये मकसद है। फिर भी अगर बुरा लगेगा, आई एम वेरी सॉरी। हाँ तो अब्बास भाई, रसूलुल्लाह का मनसब क्या है? आप कहेंगे साहब इससे बड़ा बेवकूफ जाकिर तो देखे ही नहीं आज तक। अब ना क्यों का पूछ रहा, रसूलुल्लाह का मनसब क्या है? हमें जब खुद ही कह रहे हो रसूलुल्लाह, तो वही तो मनसब है। मैंने कहा ठीक, एक मैं अरबी पढ़ता हूं, जरा तर्जुमा कर दीजिए अब्बास भाई, या मैं तर्जुमा करता हूं, बताइए सही है कि गलत। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे हैं। तो कब तक रहेंगे? सवाल, अल्लाह के रसूल हैं ना, तो कब तक के लिए? कयामत कब आएगी? नहीं मालूम। टाइम 100 साल बाद, 200 साल बाद, नहीं मालूम ना। अब तक पैगंबर को इस दुनिया से गए हुए कितना दिन हो गया? 1400 साल से ऊपर हो गए ना, तो 1400 साल तो ये हो गए रिसालत को, है ना, 1444 साल हिजरत को हो गए, 13 साल मक्के वाला जोड़ लीजिए, 44 10 54 3 57, 1457 साल से रसूल है ना। अभी कितने दिन रहेंगे? नहीं मालूम। कयामत तक, कयामत कब आएगी? नहीं मालूम। अब अगर कोई पूछे कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने नबी बना के भेजा कब तक के लिए, जवाब
قیامت تک. قیامت آئے گی کب نہیں معلوم. تو سیدھا جواب کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہزاروں سال کے لیے. اس سے آگے نہیں بول سکتے آپ, معین تو نہیں کر سکتے نا. تو اب اگر پوچھا جائے اللہ نے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے, بولو جواب, ہزاروں سال کے لیے. ہو گئی بات, اس کو یہی چھوڑ دیجئے. میں یہاں آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے. کتنی دیر عام طور پہ تقریر ہونا چاہیے؟ ایک گھنٹہ. ٹھیک, ہم نے کہا بھائی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, بہت تھکا ہوا ہوں اور ٹینشن ہے اور فلاں چیز ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا, وہ واقعہ ہو گیا, بہانے بنا کر کے میں نے آدھا گھنٹہ پڑھ دیا. یہ کیا بھائی, ہم لوگ تو بتاؤ اپنے گھر پہ افطار کرتے آرام سے, یہاں آئے اس چکر میں آدھا گھنٹہ. تو دس بیس لوگ ناراض ہوں گے, دو چار لوگ نہیں نہیں مولانا آپ ٹینشن مت لیجئے, ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کم نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میں نے صاحب آدھے گھنٹے کے بجائے پڑھا پندرہ منٹ. اب مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہے نا, تب بھی ایک دو لوگ نکل آئیں گے. نہیں نہیں مولانا ٹینشن مت لیجئے, آپ جو بات پندرہ منٹ میں کہتی زبردست ماشاءاللہ. میں نے صاحب پندرہ کے بجائے کتنی دیر پڑھا؟ ایک منٹ. سن 256 یا 55 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی, آج حضرت کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان. سلوات اتر گئے. کتنی دیر پڑھا؟ ایک منٹ. اب کوئی ماننے کو تیار ہے؟ ہاں بتاؤ, اتنی دور سے ان کو بلایا یہ ایک لائن سننے کے لیے. اب جو آدمی ہے وہ کہہ رہا بھائی حد کر دی, کس نے بلایا ان کو, کون ہے پہلے اس سے ملواؤ جس نے ان کو بلایا, ہمارا ٹائم برباد کیا. خیر صاحب سب لوگ تو رہ گئے, یہ جو قبلہ آپ کے پیش نواز صاحب, اس میں گرامی آپ کا عزیز صاحب. کل لگے مولانا آپ نے تو حد کر دی. میں نے کیا ہوا, کل نے آج تو آپ نے پڑھا ہی نہیں کچھ. میں نے کہا ابھی میں نے نماز پڑھی ہے آپ کے پیچھے, ہم کو لگتا ہے اپنی نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی. کل نے کیوں, میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ بھائی, معذرت مثال دے رہا ہوں. ہاں نہیں تم بھی چلے جاؤ بھائی صاحب, آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا. صلوات بر محمد وآل. کہنے آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا آپ مولانا ہیں, پیش نماز کے لیے عدالت بولیے ضروری ہے, جھوٹ بولنا عدالت کو ختم کر دے گا, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. میں ممبر پہ گیا, میں نے یہ جملہ پورے 60 سیکنڈ میں نے تقریر کی, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کچھ پڑھا ہی نہیں, کچھ پڑھا ہی نہیں. تب مولانا پڑھے لکھے آدمی تو وہ جلدی تھوڑی بھرے میں آ جائے گا, عام پبلک آ جائے گی بھرے میں. کہنے لگا اے مولانا باہر سے آ کر کے نقشے بازی مت کرو, قلت. اب جو انہوں نے جواب دیا عزیز صاحب نے, قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ہم کو نئی معلوم ہوئی مولانا سے, کیا؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے, جہاں اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. میں نے 30 منٹ پڑھا, لوگوں نے کہا کم پڑھا. میں نے 15 منٹ پڑھا, لوگوں نے کہا کم پڑھا. میں نے 1 منٹ پڑھا, اب ہر آدمی کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا. ہر آدمی کہہ رہا نہیں کہہ رہا, جبکہ مجھ کو پڑھنا کتنا تھا؟ 1 گھنٹہ. پڑھا کتنی دیر؟ 1 منٹ. تو کئے بٹا کئے پڑھا میں نے؟ 1/60 پڑھا نا. تب بھی سارا مجمع کہہ رہا ہے مولانا کے کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں پڑھا. اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ بولیے, کہا ہزاروں سال کے لیے. جس کو ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا اس نے کام کتنے دن کیا؟ بولیے 23 سال. 60 کے مقابلے میں 1 منٹ 1/60 ہے.
हजारों के मुकाबले में 23 के कई बताता है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह अभी मेरे साथ केस हो चुका है, मैंने एक मिनट पढ़ा, सारी पब्लिक कहने लगी कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। आपको अल्लाह ने नबी बना के भेजा हजारों साल के लिए, कहा तो हमने कहा या तो आप कयामत तक रहिए और अपनी नबुव्वत का काम अंजाम दीजिए, और नहीं मैंने कहा और अगर जा रहे हैं आप तो अपने बाद ऐसा इंतजाम करके जाइए जिनका कौल आपका कौल, जिनका फेल आपका फेल, जिनकी सुनो आपकी सुनो, जिनकी जंग। अच्छा अब तुम हमको समझाओगे, और नहीं करके गया तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह हमारी तो औकात नहीं है कुछ, हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं करके गए तो कुरान पलट के कह देगा फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये ना किया तो आपने कुछ किया ही नहीं। सलावत दर मोहम्मद वाल, समझ में आई आपके बात कहा गई। तो अब मनसब का तकाजा है, ये जो गदीर है ना, गदीर सिर्फ खिलाफत मौला का मैटर नहीं है, गदीर वो पूरे कयामत तक का सिस्टम बयान हुआ है। और अगर आप तवज्जो करें खुतबे गदीर आपके जहन में हो तो मन कुन तो मौला कहने से पहले उस खुतबे में पैगंबर ने यह हदीस इरशाद फरमाई है वहां भी, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, क्यों का ये हदीस पढ़ के कयामत तक का सिस्टम बयान किया, मौला को उठा के मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन कह के पहले आदमी को पहचानवा दिया। अब जो जाता जाएगा बाद वाले को अपने बाद बताता जाएगा, तो ये गदीर खाली अली का मैटर नहीं है, ये गदीर कयामत तक का सिस्टम बयान हो रहा है जिसकी पहली फर्द का नाम है अली। तो दूसरा जवाब क्या हुआ, फितरत का तकाजा एक, दूसरा मनसब का तकाजा हो गया, तीसरा क्या था, कुरान का हुक्म है कह के जाइए का क्या कहीं कुरान में है आयत माजल्ला कुल इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, का ना कुल ला असलुकुम अलैहा अजरन तो है, तारिकुन कोई आयत नहीं है ये हदीस है, तब कैसे कह दिया। मैंने कहा अभी समझा रहा हूं ना, बगैर सलवात दे कैसे इतनी बढ़िया बात सुना दे। खूब, अब तीसरा सबब कि नबी को कहना था इन्नी तारिक, तीसरा क्या है, हुक्म कुरान। अब ये कुरान में एक आयत है, इरशाद होता है कुतिबा अलैकुम, मुतवज्जे है नहीं तवज्जो है, कुतिबा अलैकुम इदा हदरा अहादुकुमुल मौत, तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, जैसे कुरान में है रोजे के लिए है ना, क्या है कुतिबा अलैकुम उस सयाम, तुम्हारे ऊपर रोजे लिख दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं यानी वाजिब कर दिए गए। यहां पे उलमा हमारे फरमाते हैं मुफस्सरीन कि अगर इस कुतबा को वाजिब की मीनिंग में ना भी लें तो इंतहाई ताकीद के माना में जरूर है, क्या कुतबा अलैकुम तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, इदा हदरा अहदुकुमुल मौत जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो क्या लिख दिया गया है शर्त के साथ, इन तरका खैरन अगर कुछ खैर छोड़ के जा रहे हो तो क्या लिख दिया गया है, एल वसी है अपने बाद वालों के लिए अकरबा के लिए वालिदैन के लिए क्या वसीयत करके जाओ। कुरान ने क्या कहा, जब मौत आने लगे ये आभास हो कि मरने वाला हूं अगर कुछ खैर छोड़ा है तो बाद वालों के लिए वसीयत करो, कुरान का हुक्म है नहीं है, पैगंबर इस दुनिया से जा रहे हैं उनकी जिंदगी में भी कुछ खैर है, कुछ खैर छोड़ के जा रहे हैं का जो लेके आए थे वही छोड़ के जाएंगे,
क्या लेके आए थे, दुनिया की प्रॉपर्टी की बात नहीं है, क्या लेके आए थे उधर से, वही छोड़ के जाएंगे। नमाज जुमा में शिरकत करते हैं आप, अब तो सुनते सुनते याद हो गई होगी, हुवल्लज़ी बअथा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, दो, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, तीन, वल हिकमा, चार चीज लेके आए। तो इसमें सबको देखा जाए एक एक करके तो कितना हुआ, हिकमत कितना कहलाया गया, एक बटे चार है ना, कुल चार है, तिलावत 1/4। अब इसमें जो एक बटे चार है हिकमत, हिकमत के लिए कुरान कहता हम सबको नहीं देते, कहां मिलेगी आयतुल कुर्सी, थोड़ा आगे बढ़िएगा वहां ये आयत है, यो तिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है, वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत दे दी उसको खैरे कसीर दे दिया गया। तो कुरान ने क्या कहा, जिसको हिकमत दी गई उसको क्या दिया गया, खैरे कसीर। कुरान ने क्या कहा है, हमने इनको भेजा किताब के साथ क्या दे के, हिकमत। तो जब पैगंबर के पास हिकमत है तो पैगंबर के पास क्या है, खैर है नहीं है, खैर नहीं, खैरे कसीर है। कुरान ने क्या कहा, अगर खैर छोड़ के जा रहे हो तो वसीयत करके जाओ, जब हुक्म कुरान है तो पैगंबर बगैर कैसे कहे चले जाएंगे, लिहाजा नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैत सलावात दर मोहम्मद व आ, ये तीन हो गए, चौथा जल्दी से और आगे अपने मौजू का। तो फितरत का तकाजा है कह के जाइए, एक, मनसब का तकाजा है कह के जाइए, बोलिए, दो, हुक्म कुरानी है, चार, मिजाज। पैगंबर का जो मिजाज था उससे ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर कहे चले जाए। जवाब आप बताएंगे, मौलाना पैगंबर का मिजाज क्या है, को क्या मतलब, का आदमी को अपनी औलाद का मिजाज तो मालूम नहीं, यह मालूम है 30 साल 35 साल का हो गया लड़का, उसके बाद जो है वो कह रहे मैंने आग कर दिया, ये क्या हुआ, आप तो बहुत चाहते थे, कहा हमें क्या पता था कमबख्त शादी के बाद ऐसा बदल जाएगा, होता है नहीं होता है, 70 साल से ऊपर की एज रही होगी, वो बार बार आते थे तलाक पढ़ दो तलाक पढ़ दो, हम लोग टहला रहे थे कि बढ़ोती में क्या फायदा है, जाने दो जाने दो। अगर फर्ज कीजिए 30 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, 70 साल की एज में आप बीवी को तलाक दे ले जा रहे, 40 साल से समझ नहीं पाए बीवी किस टाइप की थी, आज समझ में आया। तो जो आदमी बीवी का मिजाज ना समझ पाए, जो आदमी अपनी, अरे छोड़िए बीवी बच्चों को, अपना मिजाज हमको आपको पता है, कभी कभी आदमी खड़ा होकर सड़क पे गाली देगा, लोग कहने लगे क्या नाम बेटा आपका, अरे अब्बास देखो तुमको फला, अरे बुजुर्ग हैं जाने दीजिए, ऐसा होता है नहीं होता, नहीं बुरा लगा, एक मुस्कुरा के कोई बात कही जिसकी मीनिंग कुछ निकल सकती थी, वो साहब 15 साल से यहां घुसी हुई निकल नहीं रही है, ऐसा होता है नहीं होता, कि आदमी खुला हमको गाली दे रहा है हमको बुरा नहीं लगा, आदमी मुस्कुरा के कोई बात कह रहा है इंटेंशन समझ के, 15 साल से तपा हुआ हूं दिल से बात नहीं निकल रही है, समझ में आया कुछ। तो जो आदमी अपना मिजाज ना समझ पाए, सवाल यहां है, उसको क्या हक है ये कहने का कि रसूलुल्लाह का मिजाज ये था, बात फंस गई ना। जवाब, अगर हम कहें कि रसूलुल्लाह का मिजाज ये था तब आप ये एतराज कर सकते हैं। अच्छा हम लोगों के साथ क्या होता है, क्या हुआ यार अब्बास भाई, वो तो अब बिजनेस तो एक साथ शुरू किया था तुम लोगों ने, अब क्या है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, पहले तो बड़ी दोस्ती थी, 10 साल के बाद टूट जाती है,
20 साल के बाद टूट, अरे क्या बताएं, हमें क्या पता था कि यह आदमी इतना गंदा निकलेगा, इतना खराब निकलेगा। तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं बगैर मिजाज समझे। अल्लाह बगैर मिजाज समझे हबीब नहीं बनाता। हाँ, खुदा बगैर हबीब समझे मिजाज। अच्छा समझना क्या, वो खालिक मिजाज है, उसी ने पैदा ही किया है। अब अगर वो बता दे कि मेरे हबीब का मिजाज ये है, तब तो मानेंगे ना। देखिए फिर मैंने इसी जगह के लिए कहा था, जितना कहूंगा उतने के जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं हूं। फिर भी एक सलवात पढ़िए, एहतियातन कील काटा कर लूं, मगर पता नहीं कौन आ जाए मजलिस के बाद, तुमने ये कैसे कहा। सलवात पढ़िए, सुन लीजिए पहले। मिजाज, लालच अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज। हदीस भी है, कद अज्ज मन कना व जल्ल मन तमा, इज्जत उसे मिली जिसने कनाअत की, जलील वो हुआ जिसने लालच की। तो हदीस भी कहती है लालच अच्छी चीज नहीं है। कहां के हैं आप, इसीलिए पूछ रहा हूं, पता है कहां के हैं आप? गांव का नाम बताइए ना। बहा खैरुद्दीनपुर, हमारे पड़ोस के हैं, बिल्कुल 10 किलोमीटर का फासला। मिसाल आप तो नहीं बुरा मानेंगे। हाँ, इन्होंने साहब कहा कि मेरा पोता है 10-12 साल का 15 साल का, तो हम सोच रहे हैं कि घर से करीब भी है, 100 किलोमीटर फैजाबाद से होगा आपका गांव मेरा जो है मेखल, तो आपका यहाँ एडमिशन करा दें। मैंने करा दो। वो इत्तेफाक से एक महीना हुआ था उसका एडमिशन को, उसको यहाँ सूरत आना हो गया इत्तेफाक से। तो अब चूंकि पोता वहां पड़ रहा है हमारे यहाँ, तो ये खास करके मिलने आए, मुझसे मिलने नहीं आए। कम से कम पोते की खैरियत मिल जाएगी। हम शरारती आदमी, मजाक वजाक वाले आदमी हैं, कभी कभी झेलते भी, सामने वाला समझ नहीं पाता। तो मैं समझ गया कि अपने पोते की खैरियत लेने आए हैं, थोड़ा खेल लिया जाए। कहने लगे क्या हाल है? मैंने कहा वो पोता आपका? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा बड़ा लालची है साहब। अब इनकी शक्ल देखने लायक थी, लालची। हम लोग 2-3 भाई यहां रहते हैं, सबका अलग अलग वो है, सबकी फ्रिज भरी रहती है, कभी उसने पलट के नहीं देखा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ओ बुरा लग गया इनको। और मैंने अरे साहब ऐसा लालची लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, खूब लालची लालची। जब इनको खूब गुस्सा दिला लिया मैंने, तब घूमा। मैंने कहा अभी तो इसकी क्लास भी मेरे पास नहीं है कोई, लेकिन पता नहीं क्या इतना लालच है उसको पढ़ने की। जब देखिए किताब बगल में दबाए चला आ रहा है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब? मैंने कहा यार अपने मौली साहब से पूछो मेरे पास का। अरे मौली साहब बता दीजिए। तब मुस्कुराए, है जभी तो मैं कहूं कि आप क्या कह रहे हैं। अब बताइए ये वाली लालच अच्छी है कि बुरी? बोलिए अच्छी है ना। तो यानी लालच को आंख बंद करके आप नहीं कह सकते कि बुरी है, और ना आंख बंद करके कह सकते हैं आपके अच्छी है। कहीं लालच बुरी है तो कनाअत अच्छी है, जैसा कि मैंने हदीस सुनाया, इज्जत उसे मिली जिसने कनाअत की, जलील वो हुआ जिसने लालच की। उल्टा भी होगा ना, जहां लालच अच्छी है वहां कनाअत बुरी हो जाएगी। व्हाट्स योर एजुकेशन? ग्रेजुएट है। उसके बाद का उसके बाद मूड नहीं है। मैंने कहा क्यों? पीजी कर लो, पीएचडी कर लो। कहने आप ही ने तो पढ़ा था, इज्जत इसे मिली जिसने कनाअत की, जलील वो हुआ जिसने लालच की। मुझको बहुत लालच नहीं है अब आगे। हाँ ये कनाअत अच्छी है ना। तो अब बात समझ में आ गई, ना लालच को आप बुरा कह सकते हैं, ना लालच को आप अच्छा कह सकते हैं। कहीं लालच अच्छी है, कनाअत बुरी है,
कहीं कनाआत अच्छी है, लालच बुरी है। जैसे माल की लालच बुरी है तो कनाआत अच्छी है, इल्म की लालच अच्छी है तो कनाआत बुरी है। अब इस लालच को अरबी में क्या बोलेंगे? ये डर की वजह से मैंने 10 मिनट आपका लिया है कि हर नबी के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर लिया, मैं कहां तक सफाई दूंगा, यही ठीक कर लू। लालच को अरबी में क्या कहते हैं? हिर्स। हिर्स माने बोलिए लालच। अब इसी को लालची में कन्वर्ट करना होगा तो क्या कहेंगे? हरीस। हरीस माने लालची। का की के की निस्बत लगानी होगी तो अला लगाएंगे। जैसे किसी के लिए कहना हरीसोन माल का हरीस तो क्या कहेंगे? हरीसोन अलल माल, माल का लालची। किसी को कहना एल्म का लालची, हरीसोन अलल एल्म, एल्म का लालची। समझ में आ गई आपके? यही लफ्ज, अब ये मेरा लफ्ज नहीं है कि आप इतराज करें, ये कुरान ने यूज किया है। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। अब आयत पढ़ता हूं, अल्लाह कहता हरीसोन अलैकुम, मेरा पैगंबर, मैं तर्जुमा भी नहीं करूंगा, कहीं से काट लिया जाए कि पैगंबर के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है। मेन आयत हरीस के माना मालूम हो गए ना, व्हाट्स मीनिंग ऑफ हरीस, यानी लालची। हरीसोन अलैकुम कुरान की आयत है, मेरा नबी तुम्हारा हरीस है। हरीस माने लालची, मेरा नबी तुम्हारा हरीस है। काहे के हरीस हैं? हमारे माल के, हाँ, हमारी लालच, इल्म के। अहसन, माशाल्लाह, इन बच्चे की सलामती के लिए सलावात बर मोहम्मद। वाह, काहे के हरीस हैं? कुरान कहता है तुम्हारे हरीस हैं, हमारे माल के, हमारी दौलत के, माजल्ला हमारे बाग के। का वो पहले ही कह दिया था चचा से, जनाब अबू तालिब से, चचा जाके इन लोगों से कह दीजिए एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ पे सूरज, मैं हिदायत से बाज। तो अब समझ में आ गया काहे के लालची हुए हरीस, हिदायत के। ये हिदायत की लालच अच्छी है कि बुरी? अच्छी। इसके मुकाबले में कनाअत अब क्या होगी? बुरी। कोई बुराई रसूलुल्लाह में आ सकती है? नहीं। तो हिदायत के मैटर में रसूलुल्लाह कनाअत कर सकते हैं, बस इतने लोग ठीक हो गए काफी? कनाअत नहीं हो सकती ना, कनाअत बुरी चीज है। तो अब पैगंबर की ये हिर्स हिदायत की होगी ना, ये हिदायत की हिर्स कब तक रहेगी बोलिए? ये हिदायत की हिर्स नबी में कब तक रहेगी? का जब तक जमीन पर एक आदमी भी ऐसा बचा है जिसकी हिदायत की जरूरत बाकी है, तब तक पैगंबर को ये हिर्स है कि ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता है ना। अब पैगंबर हरीस हैं हिदायत के, 23 साल के बाद जा रहे हैं, क्या पैगंबर के हिर्स पूरा हो गए, सब हिदायत याफ्ता हो गए? बोलिए नहीं ना, बहुत बाकी है। तो अब पैगंबर हैं हरीस, आसानी से रूह नहीं निकलेगी, इसलिए कि पैगंबर को हिर्स है उम्मत की हिदायत की। अब पैगंबर ने देखा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी ही नस्ल में एक ऐसा आएगा कि जब वो जुहूर करेगा, अल्लाह दुनिया को अदलो दाद से वैसे भर देगी जैसे जुल्म और जोर से भरी होगी। जब नबी ने देखा मेरी लालच को यही पूरा कर सकते हैं, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकला है सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज 15 शाबान, उसी कड़ी की आखिरी फर्द,
जिसके लिए नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन, बोलिए फीकुम सकलैन। एक चीज और बस तमाम, ये हर इमाम में ये बात आएगी जो हमारे इमाम में भी है। पैगंबर का मिजाज तय हो गया, समझ में आया क्या है पैगंबर का मिजाज? हरीसुन अलैकुम। अगला भी फिक्र है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए लालच नहीं है, तुम्हारे लिए लालच है। हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारे हरीस हैं। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के लिए रऊफ है, मोमिनों के लिए रहीम है। इसका मतलब लालच कब तक है? जब तक मोमिन नहीं हो जाते, है ना, सबको मोमिन होने की इनको हिर्स है। पैगंबर का मिजाज समझ में आ गया? पैगंबर का मिजाज क्या है? उनके अंदर हिर्स है काहे की? हिदायत उम्मत की, लोगों के ईमान की। हो गई बात? अब पैगंबर इस दुनिया से जा रहे हैं, गदीर हो या ना हो, मन कुन तो मौला की हदीस हो या ना हो। यहां मुझको मजलिस पढ़नी थी, नहीं आ पाया, अब क्या होगा? वकील साहब जरा 5 मिनट पढ़ दीजिए, डॉक्टर साहब जरा आप कर दीजिए। 12 बजे रात को फोन आया, मौलाना साहब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, लगता है अटैक वटैक है। तो मैंने कहा तो कल अगर 2 मिनट के आ रहा, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझको सय्यम की मजलिस थोड़ी पढ़ना जो तुम अभी से आवाज़ दे रहे हो। किसी जो है डॉक्टर को पकड़ो, हल्का फुल्का ही सही, इंजेक्शन लगाओ, आगे बढ़ो। मतलब क्या हुआ? डॉक्टर की जगह डॉक्टर आएगा, वकील की जगह वकील आएगा, जाकिर की जगह जाकिर आएगा। जिसकी जगह आना है उसके मिजाज का होना चाहिए। रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा रहे हैं, पैगंबर का मिजाज क्या है? उम्मत की हिदायत की लालच। अब वही उनकी जगह आ सकता है जिसके अंदर हिदायत की हिर्स पाई जाती हो। अब तुमको यही देखना है नबी के बाद कि कौन माल का लालची, कौन दौलत का लालची, कौन इख्तदार का लालची, कौन हिदायत उम्मत का लालची। जहां हिदायत की लालच होगी वही जानशीन है पैगंबर का, वो चाहे मौला हो वहां भी वो चीज देखी जाएगी। इमाम हसन गाली खा रहे हैं, सवारी चाहिए, ये क्यों है? गाली खा के जन्नत तक पहुंचाने का जज्बा है। इमाम हुसैन जिस आजो आदमी जो है वो घेर के ला रहा है उसी को पानी पिला दिया पूरी फौज को, ये क्या चक्कर है? कि ये वही लालच है कि किसी सूरत से जन्नती हो जाए। हर इमाम में ये सिफत पाई जाएगी। तो जो हमारा इमाम है, बोलिए बस तमाम कर दिया मैंने, जो हमारा इमाम है वो भी इस सिफत से अलग। हर इमाम की ख्वाहिश है कि हम हिदायत याफ्ता हो जाए, हर इमाम की ख्वाहिश है कि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। उसके लिए पता है आपको, मैं बकिया इमाम की बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग मौजू है हर इमाम के बारे में इस इनवान से बात करने के, लेकिन आज चूंकि 15 शाबान है ना, तो अपने इमाम के बारे में बात करेंगे। बड़ी ख्वाहिश है हजरत की कि हम लोग मिल के रहें, हम लोग एक हो के रहें। मिजाज फर्क होता है, ठीक है आपका मिजाज कुछ है, आपका मिजाज कुछ है, आपका मिजाज कुछ है, लेकिन एक जगह जा करके मानते तो सब है ना मौला को। जरा जरा सी बात पर ग्रुप बना लेना, जरा जरा सी बात पे अलग हो जाना, ये क्या वाकई इमाम को पसंद है? मैं एक दास्तान हट के सुना रहा हूं, मजबूरी है, छठे इमाम का जमाना है, बस ये सुन लीजिए और इमाम की एक रिवायत सुनाता हूं और तमाम। छठे इमाम का जमाना है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तफसीर नमूना में ये दास्तान है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लेन देन का मामला था, 4000 कुछ ऐसे ही मैटर था। इमाम के सहाबी ने झगड़ा देखा, आगे आ गए, क्या बात है? कजा बाकी है इनका, मेरे ऊपर दे नहीं रहे। क्यों भाई?
कजूर बोलते हैं साहब एक पैसा नहीं बाकी है, समझ गए। दोनों को ले आए घर, इमाम की ख्वाहिश सुनिए, पगड़ी लगाना और है, शिया होना और है, कबा पहनना और है, मेंबर से तकरीर करना और है, और शिया होना और है। हाँ भाई बोलिए। दोनों किस्सा सुन लिया, समझ में आ गया। इसका मतलब आपको न देना पड़े कोई बात नहीं, आपको मिल जाए कोई बात नहीं। अंदर गए पैसा लाए, कहिए लीजिए चचा आपका पैसा आपको मिल गया, कहाँ आपको नहीं देना पड़ा कि नहीं। दोनों आदमी गले मिल लो, मिल लिया। दोनों लोग बोलिए गले मिल लो, मिल लिया। जाने लेकर रुक जाओ, मुझसे क्या मतलब, आप लोग लड़िए भिड़िए मरिए कटिए, हमसे क्या मतलब। कोई इतना पैसा अपनी जेब से देता है, कहाँ क्यों का, ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा का, तब का मैं छठे इमाम का वकील हूं, हजरत की रकम मेरे पास रहती है, मेरे इमाम ने मुझे हुक्म दिया है कि अगर हमारे शियों में इख्तिलाफ हो जाए, तफ़सीर नमूना में दास्तान है, तो मेरा पैसा खर्च हो जाता है, हो जाने दो, कर दो खर्च, मगर इनको मिला दो। कुछ समझ में आया, हमारे इमाम चाहे ठीक है, आपका मिजाज अलग है, सलामुन अलैकुम, आप अपने हिसाब से चलिए, आपका मिजाज ये ठीक है, आप अपने एतबार से चलिए, देखा जाएगा कल को क़यामत में कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इसके लिए एक दूसरे से सलाम कलाम बंद कर लेना, एक दूसरे से आना जाना बंद कर लेना, एक दूसरे की बात को पसंद ना करना। क्या इमाम इस बात को पसंद कीजिए, आप, मैं मना नहीं करता हूं, मैं कौन हूं, ठेकेदार हूं, लेकिन ये सोच कीजिए कि क्या इस अमल से मेरे इमाम खुश होंगे नहीं होंगे। सैयद इब्ने ताऊस तमाम रहमतुल्लाह अलैह रिदवानुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत को, यानी हमारे इमाम को, तमाम सरदार ने यह दुआ करते सुना गया, किसके लिए, आपके लिए, अपने चाहने वालों के लिए। हाँ, एक मंजिल वो आती है जहां भाई भाई से अलग हो जाता है। अगर मुझसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए, जितने लोग हैं सब साथ छोड़ देंगे, चाहे सगा भाई क्यों ना भैया, आप अपना झेलिए, कोई किसी के गुनाह का जिम्मा। लेकिन इमाम सुनेंगे आप, कितना चाहते हैं आपको, खुदा की कसम दुनिया में कोई इतना अपने इमाम को नहीं चाह सकता जितना इमाम हमको चाहते हैं। पहले उससे पहले एक रिवायत सुन लिए, रिवायत कहती है हर शबे जुमा हमारे आमाल हजरत की बारगाह में पेश होते हैं, हर शबे जुमा। अगर आमाल अच्छे हैं इमाम खुश होते हैं, दुआ देते हैं। अगर आमाल खुदा न खास्ता हमारे ख़राब हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं। अब उलमा हमारे फरमाते हैं, दुआ फरमाते हैं, खुदा इनको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। मरहूम सैयद इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सरदाब में हजरत को अपने चाहने वालों के लिए दुआ करते सुना गया। क्या पालने वाले शियातुना खुलिकु मिन शुआई अनवारिना, पालने वाले हमारे शिया हमारे नूर की किरणों से पैदा हुए। वफ़ाज़िल तीनतना, हमारी बची हुई तीनत से पैदा हुए, फ़ाज़िल तीनत से पैदा हुए। अब उसके बाद जुमला सुनिए इमाम का, कद फ़अलू ज़ुनूबन कसीरा, अल्लाह इन्होंने बहुत गुनाह किया है। मतलब क्या हुआ, हम नहीं कहते कि हमारे शिया बहुत अच्छे हैं, इनके यहाँ कोई गुनाह उना नहीं है, हैं गुनाहगार हैं, लेकिन गुनाह किया क्यों है। ये दुनिया में माँ बाप भाई बहन अजीज औलाद कोई अपने जिम्मे लेने वाला नहीं है, मगर अपने इमाम का जुमला सुनिए, फरमाते हैं खुदा कद फ़अलू ज़ुनूबन कसीरा, इन्होंने बहुत गुनाह किया है, लेकिन क्यों, इत्तिकालन अला हुब्बना व विलायतना, हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्ती पर भरोसा की वजह से। क्या मतलब, यानी हमारी वजह से किया है इन्होंने ना, कि इमाम शफाअत करेंगे। कद फ़अलू ज़ुनूबन कसीरा, इन्होंने बहुत गुनाह किया, इत्तिकालन तवक्कुल के माना जानते हैं ना,
भरोसा करना किसी पर, इत्तकालन अला हुब्बिना व विलायतना, हमारी मोहब्बत और हमारी दोस्ती पर भरोसा करते हुए। उसके बाद दो दुआएं हैं इमाम की तमाम, फरमाते हैं खुदा इन काना ज़ुनूबहुम ज़ुनूबहुम बैनका व बैनहुम, अगर इनका गुनाह तेरे और इनके बीच है, यानी इन्होंने तेरी नाफरमानी की है। हजरत फरमाते हैं फसफह अनहुम, पालने वाले इनको माफ़ कर दे, लकद या फ़कद रदीना, हम इनसे राज़ी हैं, हम इनसे खुश हैं। उसके बाद दूसरा जुमला, अगर तेरे और इनके बीच का मैटर नहीं, इनका आपस का मैटर है, किसी ने किसी को बुरा भला कहा है, किसी ने किसी को उल्टा पलटा कह दिया है, किसी ने किसी का हाथ मार लिया है, ये गलती मुझसे बगैर समझे हुई है आज सुबह, तो उसकी भी मैं माजरत कर लूँ। ऐसे ही मजाहन मेरे मुँह से निकल गया, या यार अलग अलग बैठो खोजों की तरह से, मेरा कोई मकसद नहीं था, खुदा नखास्ता लफ्ज़ कह करके वल्लाह मिंबर है, मेरा मकसद जलील करना नहीं था, लेकिन एक दो लोगों को बुरी लगी ये बात, मैं वहाँ उनसे माजरत कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं ये मिंबर पर होगा, आपको बुरी लगी बात, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ। या साहिब ज़मान, आप राज़ी रहिए, जिससे कहिए हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इनका ना जुनूब हम बई ना हम, अगर इनका आपस का मैटर है, तब इमाम ने नहीं कहा अल्लाह इनको माफ़ कर दे, तब इमाम ने क्या दुआ फरमाई, अल्लाह इनको तौफीक दे एक दूसरे को माफ़ कर दे। इमाम की दुआ क्या, दो दुआ है ना, एक इनके और तेरे बीच है, अल्लाह माफ़ कर दे हम इनसे खुश हैं, लेकिन दूसरा आपस का जब मामला हुआ, इमाम ने नहीं कहा अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इमाम ना कहेंगे ना अल्लाह माफ़ करेगा जब तक हम एक दूसरे को माफ़ ना करें। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इमाम की दुआ रिजेक्ट हो सकती नहीं हो सकती, बोलिए नहीं ना। लेकिन अब्बास नाम बताया तुमने, अब्बास भाई से मेरी लड़ाई हो गई, लोगों ने कहा मौलाना जाने दिए, बच्चा है छोड़िए, मैंने कहा जिंदगी में कमबख्त को माफ़ नहीं करूँगा, तो क्यों नहीं माफ़ कर रहा हूँ मैं, इमाम ने दुआ की है ना कि इनको माफ़ करने की तौफीक दे, तो मुझे क्यों नहीं तौफीक मिली, मैं क्यों इनको माफ़ नहीं कर रहा हूँ, जबकि पूरी कौम कह रही मौलाना जाने दो, और मैं कह रहा हूँ नहीं माफ़ करूँगा। है किसी में हिम्मत ये कहने की कि माज़ल्ला इमाम की दुआ कबूल नहीं हुई, हाँ इमाम की दुआ रिजेक्ट हो गई, इमाम की दुआ कबूल है, जब कबूल है तो मैं क्यों नहीं माफ़ कर रहा हूँ इनको। इसका सिर्फ एक जवाब हो सकता है, इमाम ने अपने शियों के लिए दुआ की है, अल्लाह इनको तौफीक दे माफ़ करने की। वसी हसन, अगर तुम इस बच्चे को माफ़ करने को नहीं तैयार हो, तो इसका साफ मतलब है इमाम की दुआ रद्द नहीं हो सकती, हाँ तुम अभी वो शिया नहीं हो पाए हो जिसके लिए इमाम ने दुआ की। बस मैं फिर, मेरा मकसद कुछ नहीं था, मैं किसी कौम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था, जितने खोजा हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाए, अगर उनको ये लगता है कि मेरा मजाक की बात गलत थी, तो मैं सबके सामने या साहिब ज़मान आप गवाह रहिएगा मैं माफ़ी चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।